तो हेलो दोस्तों, ये है अपना 62 KVA का अशोक लेलैंड का हीनो सीरीज का इंजन। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देख रहे हैं एच सीरीज बोले तो हीनो सीरीज लेलैंड की ब्रांडिंग है इस पे। और इसकी आज हम लोग सर्विस करेंगे। ये इसका ऑयल फिल्टर है, फर्स्ट सर्विस है, इसीलिए इस पे एक स्टिकर लगा है। और इधर देख रहे हैं कूलेंट भी अपना खाली है, पूरा बॉक्स एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि ये कूलेंट लीकेज कर रहा था। एक्चुअली कंप्लेन भी था कस्टमर का कि हमारा कूलेंट लीकेज कर रहा है। ये जो हॉस पाइप है, ये हॉस पाइप से लीकेज कर रहा था, तो इसको क्लिप हम लोग टाइट कर देंगे। बाकी कितना डस्ट है तो इसको पूरा साफ सफाई अच्छे से करेंगे इसका। और ये एयर फिल्टर रहा इधर, ये पैनल है इसका, पैनल अभी ऑफ है इसलिए क्योंकि हमने उधर से बैटरी का टर्मिनल छटका दिया है। बैटरी का टर्मिनल इसलिए छटकाया है क्योंकि हम लोग सर्विस करने जा रहे हैं। सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, सर्विस करते वक्त तो बैटरी का टर्मिनल एक तो ज़रूर निकाल दे, प्लस या माइनस। बाकी ये इसका प्लेट है, इस पर 62 KVA लिखा है। इनलाइन पंप इंजन है ये, इनलाइन या रोटरी पंप दो में आता है, तो ये इनलाइन पंप है। इधर ये देख सकते हैं अच्छे से, नीचे इसका जो है कि फ्यूल फिल्टर लगा है। बाकी ये कूलेंट बॉक्स हो गया अपना। तो चलिए हम लोग पहले इंजन ऑयल इसका ड्रेन करते हैं। इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए 24-27 का स्पैनर लेना पड़ेगा। 24 नंबर स्पैनर इसमें लगता है। इसमें देख रहे हैं नीचे ये अपना बोल्ट लगा है, तो इसको हम लोग 27 नंबर स्पैनर से इसको खोलते हैं। ये इसको, चलिए दोस्तों इसको खोल के पहले ड्रेन करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमने खोल लिया है, हाथ से खोल के इसको ड्रेन कर लेते हैं। और इंजन ऑयल, ये इसकी पहली सर्विस है, 440 घंटे लगभग चले हैं, तो हम लोग 500 घंटे तक चला सकते हैं इसको। तो 600-600 घंटे तक लोग चलाते हैं, बट अगर परमानेंट अगर आपको चलाना हो तो आप 400 घंटे काफ़ी है यार। 400 घंटे में देख रहे हैं इंजन ऑयल कैसा हो गया एकदम। तो इंजन ऑयल हमने निकाल लिया है, बाकी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है तो उसको गिरने देते हैं। बाकी ये अपना फिल्टर रहा, डू नॉट ब्रेक द सील, ये पहली सर्विस है इसकी इसलिए ये लग कर आया है। बाकी हम लोग फिल्टर जो लगाएंगे उसमें नहीं लगाए। ये हल्का हल्का इंजन ऑयल गिर रहा है तो इसको गिरने देते हैं अभी, तब तक फिल्टर उल्टर सब खोल लेते हैं और चेंज कर देते हैं। ये हमने फिल्टर खोल लिया, बाकी ये अपना फिल्टर पाना है इससे इसको खोला जाता है। ये हमने फिल्टर खोल लिया है दोस्तों, और इधर प्लास्टिक की मदद से बाहर निकाल के रख दिए हैं। नया वाला फिल्टर इसमें लगाएंगे, और नया वाला फिल्टर लगाते वक्त दोस्तों इसमें जो है कि फिल्टर में हम लोग इंजन ऑयल ज़रूर डाल के लगाएंगे। क्या होता है कि एयर लेने का डर रहता है, कभी कभी फिल्टर फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग एयर नहीं ले देंगे। इसमें इंजन ऑयल भर के उसके बाद इसको फिट करेंगे। दोस्तों माफ़ करिएगा, एक हाथ से उतने अच्छे से फिट क्योंकि वज़न हो गया है, और एक हाथ से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक हाथ से कस रहे हैं। तो ये अपना पकड़ लिया, इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। फिल्टर पाने की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे इसको हम। बाकी ये अपना डीजल फिल्टर रहा, डीजल फिल्टर इधर है अपना नया वाला। और नया वाला चेंज करते वक्त कितने लोग कर बस वैसे फिल्टर निकाले और कस दिए, लेकिन अंदर एक रबड़ वाली ओरिंग लगी रहती है, इसको ज़रूर निकाल दें हर सर्विस में। अब क्योंकि ये कट जाता है तो अंदर कचड़ा बाईपास होने का डर रहता है, इसलिए इसको ज़रूर निकालें। बाकी ये नया वाला फिल्टर हम लोग कस दिए हैं, इसका जो है कि एयर निकालने के लिए ये बीच वाला आउट वाला फ्यूल आउट वाला जो है कि बोल्ट कस के डायरेक्ट लूज़ करके हम लोग एयर निकाल लेंगे, तो फिर इंजन स्टार्ट हो जाएगा आसानी से। बाकी कूलेंट ये हम लोग टॉप अप कर लेंगे इसमें। कूलेंट टॉप अप करने से सर्विस वक्त बॉटल अगर खाली है तो पहले रेडिएटर भी चेक कर लें, क्योंकि रेडिएटर में भी तो कम नहीं हुआ है पानी,
या कूलेंट, अगर कूलेंट नहीं है तो पानी भी टॉप अप करके रखें और लेकिन खाली ना रखें। तो आप ये देख रहे हैं अपना रेडिएटर भी बिल्कुल खाली है एकदम। तो देखते हैं पहले रेडिएटर में कितना कूलेंट आता है, उसके बाद हम लोग बॉटल को टॉप अप करेंगे। तो ये अपना इंजन ऑयल गिर चुका है, तो इंजन ऑयल का जो है कि बोल्ट लगा देते हैं हम लोग और अच्छे से टाइट कर लेंगे 27 नंबर स्पैनर की मदद से। ये फंस नहीं रहा है कि एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी हो जाएगा। ये फंस गया दोस्तों, अब हम लोग अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। चलिए ये एयर फिल्टर, ये अपना एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर निकालते हैं। फर्स्ट सर्विस है तो पहले फर्स्ट सर्विस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उतना डस्टी नहीं हुआ है। एयर की मदद से इसको साफ करके हम लोग वापस से इसको फिट कर देंगे, से बाकी सेकंड सर्विस में हम लोग इसको चेंज कर देंगे। अभी लगभग काम चल जाएगा। ये इनर और आउटर दोनों लगाए, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये रहा अपना इंजन ऑयल, ले पावर XLE, सबसे टॉप क्लास है, गल्फ का सबसे टॉप क्लास है, एक अशोक लीलैंड कंपनी की तरफ से एकदम ब्रांड न्यू है। बाकी लोकल मार्केट में जाइएगा तो ये वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा, ले पावर XLE। चलिए देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग बाल्टी की मदद से और एक बॉटल कट किए हैं 1 लीटर वाला, उसकी मदद से हम लोग ये इंजन ऑयल टॉप अप कर रहे हैं। ये हम लोग, चलिए दोस्तों इसका एयर निकालते हैं, जो 14 नंबर का स्पैनर लेते हैं और इसका एयर जो है कि निकालते हैं। एयर निकालने के बाद हम लोग इंजन को स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे। ये हम लोग पंप करेंगे तो आसानी से जो है कि एयर निकल जाएगा। ये अपना इंजन देख रहे हैं दोस्तों, पूरा चमका दिए हैं, फर्स्ट क्लास साफ सफाई हो गई है, अच्छे से देख पा रहे हैं एकदम चमक रहा है इंजन। तो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है अपने को, अच्छे से साफ सफाई करनी है। बैटरी का पानी भी चेक कर लेना है, तो बैटरी पानी भी ठीक था बिल्कुल। बाकी देख पा रहे होंगे कूलेंट अभी हमने टॉप अप नहीं किया है, कूलेंट एक्चुअली 1 लीटर लाए थे तो वो डाल दिया हमने, ख़त्म हो गया, तो बाकी अभी पानी भरेंगे उसमें। उससे पहले हम लोग इंजन एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि इंजन अपना बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोस्तों बगल में एक और छोटा जनरेटर हैंडल वाला चल रहा है, तो हो सकता है आवाज़ आपको सही नहीं सुनाई दे। बाकी हम लोगों का इंजन स्टार्ट हो चुका है और ये देख रहे हैं 240 वोल्ट 52 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे चल रही है। फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि लाइन पंप लगा है, ताकि लोड पड़ने पे थोड़ा सा दबता है इंजन, इसलिए इसकी जो है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखी है। देख रहे हैं 1570 RPM है, 1500 RPM पर चलता है, थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया है क्योंकि लोड पड़े तो हल्का सा दबता है इस वजह से। ताकि 440 घंटे चले हैं, अपना इंजन रनिंग कंडीशन में आ गया है, बिल्कुल ओके है।